पंचायत और नगरी निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही गांव और शहर सरकार को लेकर जोर शोर से आजमाइश तेज हो गई है। यहां पर नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में रोचक नजारे देखने को मिल रहे हैं। कोई नामांकन भरने बैलगाड़ी में पहुंचा तो कोई पत्नी के साथ अकेले ही नाचते हुए फॉर्म जमा करने आया। कई तो ऐसे हैं जिनके सपनों को आरक्षण ने चकनाचूर कर दिया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन पोस्टर में खुद ही नेताजी बनकर सड़कों पर छाए हुए हैं। बस पोस्ट में पत्नी का नाम उनके नाम के आगे नजर आ रहा है। इंदौर में देपालपुर के नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृपा राम सोलंकी ने इस बार पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। वो अलग अंदाज में चुनाव प्रचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को नामांकन भी अपने अंदाज में भरवाया है। जिस प्रकार से नामांकन दाखिल करने वो ढोल की थाप पर नाचते हुए निर्वाचन दफ्तर पहुंचे, उसी प्रकार से अब सड़क पर भी ढोल की थाप पर नाचते हुए वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि इस दुनिया में अकेले ही आए और जाना भी अकेले है। मैं अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। पहले मैं इसी प्रकार से प्रचार कर जीता हूँ। भीड़ के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलने वालों को लेकर उन्होंने कहा कि ये ढोंगी लोग हैं, सब कुछ ढकोसला है। मैं जनता के बीच उनके विकास की बात को लेकर जाता हूँ। टीकमगढ़ में भी पंचायत चुनाव का रंग जमा हुआ है। यहाँ पर बखतपुरा गांव के युवा दिनेश निरंजन इस बार जिला पंचायत के वार्ड 12 से सदस्य पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन अलग ही अंदाज में जमा किया है। सजे धजे बैल के साथ कलरफुल बैलगाड़ी में सवार होकर जब वो प्रचार के लिए निकले तो लोग उन्हें देखने के लिए घरों से बाहर आ गए। नामांकन के दौरान उन्होंने बैलगाड़ी से ही कलेक्ट्रेट तक का सफर तय किया। दिनेश का कहना है कि वो वार्ड के विकास के साथ क्षेत्र का विकास चाहते हैं और इसलिए मैदान में उतरे हैं, क्योंकि चुनाव जीत कर ही वो ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से रायसेन जिले के ग्राम पंचायत सिंहपुरी से महेंद्र यादव सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट महिला के लिए रिजर्व हो गई और ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। हालांकि पोस्टर में रानी महेंद्र यादव तो हो गया, लेकिन उनकी फोटो पोस्टर में कहीं नजर नहीं आई। पूछने पर महेंद्र का कहना है कि हम परंपरा के अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ आज भी घूंघट प्रथा है और ऐसे में बड़े बूढ़ों को चेहरा कैसे दिखाएं। वैसे भी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पत्नी के साथ मिलकर आगे भी मुझे ही काम देखना है और ऐसे में पोस्टर में मैंने अपना फोटो लगवाया है।